अरे वाह बच्चों, तुम सब बहुत बढ़िया खेले। और दीपक, तुम्हारी वजह से तो हमारा स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत गया। तो बोलो, स्कूल के बच्चे वीर है, मास्टर को बोला सीर है। चुप, अपनी सीट पे बैठो सब, मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। दीपक, शुभम, पीयूष, एक दो, निक्की, मुन्नी। गुरुजी, एक टेक्निकल सवाल पूछूं? हाँ पूछ। गोल की बाजी तो मार ली, अब सोच रहा हूँ मुन्नी को प्रो मारूं। और मैं तेरे कान पे दो मारूं। मुन्नी इस माय, वो बदनाम होगी तो फिर मेरे लिए डार्लिंग। मंजुमान है कोई क्षेत्र में? वेरी गुड। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तुम नहीं सुधरोगे ना? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, नाम है दीपक दिल्ली। अरे चंद मिनटों में मार देता हूँ बिल्ली। देखो मुझे नहीं पता, तुमने कहा था मैच जीत के आओगे तो तुम मुझे कुछ दोगी। क्या? अरे गाल पे केस, और अगर थोड़ा सा मतलब स्मूच मूच। स्मूच? दीदी मुझे भी दो ना, बहुत भूख लग रही है। चुप बैठ रहा है, आराम से आगे देख क्या क्या देख रहा है। स्मूच मुन्नी के लिए भी लेकर आता हूँ, खुश हो जाएगी। मैम स्मूच दो ना, बहुत भूख लग रही है। शट अप, क्या ये? बे उरा तेरी, किसने सिखाया तुझे? अरे सर, वो भैया दीदी से स्मूच मांग रहे थे, मुझे भी भूख लगी सर, मैंने भी मांग ली। कौन सा भैया? सर वो पीछे वाले भैया। क्या मैम, कहाँ फंस गया? मजबूरी में पीटीआई की नौकरी करनी पड़ रही है मेरे को। अगर मैं भी कोई अच्छा सा कोर्स कर लेता ना उस टाइम, MBA, तो आज बढ़िया सी जॉब होती मेरी। अरे सर, MBA या कोई बढ़िया सा कोर्स तो अब भी कर सकते हो आप। वो कैसे? अरे अपग्रेड ऐप पे आप जॉब के साथ साथ कोई भी बढ़िया सा कोर्स कर सकते हो, जैसे कि MBA, मास्टर्स या कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स, वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जैसे IIT मद्रास। कोई भी वेल नोन यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले सकते हो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके। तुझे कैसे पता? अरे मेरे बड़े भाई ने वहीं से तो किया MBA, बढ़िया पैकेज लगा उसका, इनका जॉब में फुल सपोर्ट रहता है एकदम। ये सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री देते हैं। मैं भी फिर अपने लिए कोई अच्छा सा कोर्स देखता हूँ उसमें। पिज्जा का वितरण। ओके बच्चों सुनो, जीतने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से रिफ्रेशमेंट के अलावा स्पेशली पिज्जा मिल रहा है। ब्रो ये जो सिर्फ विनर्स के लिए है ना, मैं तो हार गया। अबे एक रेस हारने से कोई लूजर थोड़ी ना हो जाता है, और तू तो हमारे लिए विनर ही है। डरे है, जिम करे है। ले अब खा दे बाद, अब सब साथ में खाए। हाँ ठीक है, चलो बच्चों स्कूल आ गया। अरे यार चलो क्लास में खाएंगे। हाँ ठीक है। सारे बच्चे सीधा अपने हॉस्टल रूम में जाएंगे, ठीक है? चलिए। हम बच्चों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन जैसे हम टूर्नामेंट जीतते हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ हमें और ओलंपिक के लिए भेजना चाहिए बच्चों को अपने। यार यहाँ कहाँ लेके आ गया? यार स्कूल की छुट्टी हो रखी है, बच्चे बच्चे है नहीं, और गार्ड भी लंच पे गए हैं। नहीं, कहीं और नहीं जा सकते क्या? प्लीज, मैंने सुना है वो फ्लोर बहुत रिस्की है और वहाँ कोई भी नहीं जाता है। तभी तो कह रहा हूँ कोई नहीं जाता, सबसे सेफ जगह शर्त पूरी नहीं करनी। शर्त के बच्चे, तुम्हें प्रशांत और उसके भाई के बारे में नहीं पता है क्या? दो दिन से मिले नहीं है और वो दोनों भी 5th फ्लोर पे गए थे।
अरे यार वो हॉस्टल के खाने से परेशान होकर अपने गांव गए हैं। क्या? और मेरे को तो लगता है प्रिंसिपल ने अपनी बंदी छुपा रखी है वहाँ पे, इसलिए वहाँ किसी की एंट्री बंद करी हुई है उसने। तुम्हें तो ना कुछ भी लगता है। तू टेंशन क्यों ले रही है यार, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? चल ठीक है, रुक आइडिया, कोई आएगा तो बोल देंगे बॉल लेने आए थे। देख लेना, कुछ नहीं। अंकल हम तो बस स्मूच लेने आए थे, बॉल लेने आए थे, ले लूं? थैंक यू अंकल, चल 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 चल। मैडम आप शाम को फ्री हो? हाँ। क्या है ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बादल देख के तो आज कुछ स्मूच लूंगा तुम्हारी। नंदी जी बोला था नहीं यहाँ पे, मुझे क्यों लेके आया, मुझे चल यहाँ से प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, डर मत, आ जा। अबे तुम तीनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वही जो आप करने आए हो। हाँ। हम तो यहाँ गेम खेलने आए। हाँ गेम खेलने आए थे। कौन सा गेम खेल रहे थे? चुम्मा छुपन छुपाई। भैया हम भी खेलेंगे। मगर डैन कौन देगा? ये पीयूष साला ज्यादा गाड़ मार रहा है। पीयूष तू जा। अरे यार भैया मुन्नी तू ना शुभम से दूर रहियो और बाथरूम में जाके छुप जाइयो, मैं तुझे लास्ट में आइस करूंगा, ठीक है? जल्दी जाओ जल्दी। चलो यहाँ छुपते हैं, यहाँ छुपते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। मुन्नी धीरे धीरे बोलो, धीरे बोलो। आ रहा हूं मैं। अरे बेटा तू तू कौन है और तू यहां क्या कर रहा है? सर पीयूष। अबे हाँ हाँ पीयूष, शुभम, निक्की, तू जानता है उन सबको? देखा तूने कहा है वो? अच्छा लगता है आज मजनू सर अंधे हैं। मैं ही तो हूं पीयूष। रात तेरी। मैं पीयूष हूं सर। सर सर लाश सर लाश दीपक भैया तू कौन है? सर लाश से कसम से। क्या क्या कर रहे तू? मुन्नी भैया पीयूष
शुभम, मुन्नी। अरे चल क्या रहा है यहाँ पर? और तुम लोग कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने तुम सबको यहाँ पर। दीपक तू बता वो कहाँ है? पीयूष, शुभम, मुन्नी कहाँ है सब? मेरे को नहीं पता सर, मुझे क्या पता? सर मैं ही शुभम हूँ सर। सर मैं ही तो पीयूष हूँ। सर मैं मुन्नी। सर पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया, पता नहीं कैसे हुआ ये। ऐसे ऐसे कैसे? चल क्या रहा है यहाँ पर? सर सर पक्का इसे बुड्ढे ने कुछ करा है सर, आप जाओ ना सर, प्लीज ना। गेट खोल बुड्ढे। अबे गेट खोल दे, मजनू सर हैं बेटे, गेट तोड़ देंगे और गांड अलग से। गांड मार भी देंगे वैसे। गांड मरवा भी सकते हैं। सॉरी डार्लिंग। अरे सर आप इन लैंडियों की बातों में मत आओ, आप गेट तोड़ो, आओ लगाओ पावर सर। हाँ हाँ तोड़ दूंगा, देखना मंजू मैम आप आज सीआईडी का दया भी फेला है। सर लगा दो पावर सर, सर गेट तोड़ो सर। अरे सर शरीर क्यों तोड़ रहे हो, गेट तोड़ो, ये टाइम नहीं है कम करने का। अरे मैं तो फोरआर्म टाइट कर रहा हूँ, गेट भी तो तोड़ना है। अरे सर आप ऐसे नहीं आओगे, आप आओ पकड़ो रे सर को। मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। देख रहे हो मैडम? अबे बुड्ढे यहाँ ये सब क्या और क्यों चल रहा है? अरे मेरा पेशाब भरो, मैं लैट्रिन कर रहा था अंदर। अबे बुड्ढे ये सब क्या कर रहा है तू, ये सब क्या है? अरे मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। मैं बुड्ढा नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। परेशान तो प्रशांत, प्रशांत तो गांव गया था ना दो दिन के लिए। कल तुम्हारी उम्र का खेलता खेलता अपने बड़े भाई के साथ यहाँ आया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया। और तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या नहीं कहाँ है सर? वो जो उस वाले कमरे में लाश पड़ी है, कहीं वो इनके बड़े भाई की तो नहीं है? कहाँ पे है लाश? चल चल सर, I swear जब मैं इस रूम में थी तो यहाँ लाश थी सर, और अब अचानक से ये। I swear सर, I'm not lying, I swear to God। लाश से कंकाल मनने में तो साल लग जाते हैं, और यहां इतनी जल्दी जल्दी? इसका मतलब है इस फ्लोर में समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। गुरुजी एक टेक्निकल सवाल पूछूं, आप और सर में तो कुछ खास फर्क नहीं? क्योंकि बच्चों के सेल्स और हार्मोन्स ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं, इसीलिए चेंजेस ज्यादा जल्दी नजर आते हैं, लेकिन बड़ों की बॉडी में चेंजेस ज्यादा जल्दी नजर नहीं आते हैं। हाँ शायद इसीलिए हम लोग भी लंबे हो गए हैं। अबे मेरी तो कच्ची टाइट हो रही है। मैंने तो पहनी नहीं है। हाँ लेगा तू? मैं क्या हूँ हूँ कर रहा है, उसका तो कुछ था भी नहीं। तुम क्या कर रहे हो यार, यहाँ से निकलने की सोच रहे हो यार? हमारी मौत बहुत करीब है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मेरे पीछे आओ सब।
ओ भाई ये तो और बुड्ढे हो गए। इनकी पुंगी बजानी पड़ेगी अपने। बजाओ जी। लगता है बाहर निकलने के चक्कर में निकल लिया मजनू। अरे मैम कोई नहीं, मैं आपकी टेक केयर कर लूंगा। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? अभी हम जिंदा हैं। अरे ये जिंदा है। मिरेकल, मिरेकल। अरे मिरेकल, अरे तू खड़ा हो जा, जिंदा हो गया तो खड़ा हो जाओ। सर मैं कह रहा हूँ खड़े हो जाओ, नहीं लेट रहे, लेट हो जाओगे क्या समझे? आपका तो हो गया, मैं जाके दिखाता हूँ। तो चलूं। बॉल पे बैठ के बाहर जा सकते हैं। दीपक, अरे भाई ठीक है? मैम हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैम क्या हम भी यहाँ पे बूढ़े होके मर जाएंगे? मैम क्या मैं और निक्की भी इसी फ्लोर पे आज रात मनाएंगे? अरे तुम्हारे लिए तो मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा बच्चों। सर हटो, मौत से लड़ जाऊंगा तुम्हारी खुद की बीच की टांग कबर में। तुम तो भगवान का नाम लो अब यहाँ बैठे बैठे। नेटवर्क भी नहीं आ रहे बच्चों, हम लोग यहाँ बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इतना कि शायद निकल भी ना पाए। बे चिरांडू ये सब तुम्हें भी पता है, सलूशन बता दे। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, हम लोग रोएंगे नहीं, सर नहीं पीटेंगे, खुशियां बांटेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और जिंदगी जिएंगे। और हत्ती मारेंगे। हम लोग यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ ताकि बाहर जाके अब ग्रेड से कोई बढ़िया सा कोर्स करके आपकी जॉब लग जाए इस उम्र में भी। हाँ अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम इसी फ्लोर में है, तो उपाय भी इसी फ्लोर में होगा, हमें ढूंढना होगा, हो सकता है मिल जाए। सही कह रहे हो मैम। चलो ढूंढते हैं, चलो चलो चलो, लेट्स गो। नहीं तुम मेरे अगर तुम लोग ये पढ़ रहे हो तो तुम समझ ही चुके होंगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वक्त का पहिया तेजी से भाग रहा है और हर बीतता पल तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है। यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और तुम्हारी मौत निश्चित है। अपनी मौत का इंतजार करो।
liberates me from my winter hell. I've got candles and candy. I can be your daddy if you only let me creep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you, no matter who. Oh, I know what will others. हाँ तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आप लोग को मज़ा आया है तो लाइक करो, 1.5 लाख लाइक हो जाएंगे तो इसका सेकंड एपिसोड आ जाएगा. तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट वीडियो का और कितना मज़ा आया कमेंट करके बताओ, एंड डू शेयर द वीडियो. और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे रियल हिट को और DSP व्लॉग्स को भी, क्योंकि इसका BTS आने वाला है बहुत ही जल्द. और गाइज, डाउनलोड करो अपग्रेड ऐप, आप लोग वहाँ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोर्सेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. चाओ.